नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल GKY प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्रेज कोर्स के रिगार्डिंग मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपके जो हमें लाइक्स आ रहे हैं उसके लिए मैं आपका तह दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, माँ सरस्वती माँ का नाम लेकर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र। बात आती है दोस्तों चिंकारा प्रजनन केंद्र की। कौन सा प्रजनन केंद्र है दोस्तों? चिंकारा प्रजनन केंद्र। दोस्तों, ये चिंकारा प्रजनन केंद्र रहेगा आपका केरू भिवानी में। कहाँ रहेगा दोस्तों चिंकारा प्रजनन केंद्र? कहाँ रहेगा दोस्तों आपका? केरू भिवानी में। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? केरू भिवानी में। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कब बना था? चिंकारा प्रजनन केंद्र बना था दोस्तों 1985 में। अब बात आती है दोस्तों, चिंकारा प्रजनन केंद्र को हम याद कैसे करेंगे? बड़ा आसान है दोस्तों। पुराने टाइम में आप सबको, आपने एक फिल्म देखी होगी शोले, उसमें जब कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो कौन आ जाएगा? गब्बर आ जाएगा। दोस्तों, अब वो फिल्म पुरानी हो चुकी है तो डायलॉग भी पुराना हो चुका है। अब दोस्तों हम भिवानी को पढ़ेंगे, भवानी सिंह। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भवानी सिंह। कैसे याद करेंगे दोस्तों? अब जब कोई बच्चा चीखता है, चिल्लाता है तो माँ कहती है बेटा चुप कर। केरू को क्या पढ़ेंगे? चुप कर, नहीं तो कौन आ जाएगा? भवानी सिंह। बड़ा आसान है दोस्तों, जब कोई बच्चा चिल्लाता है तो माँ कहती है बेटा चुप कर, नहीं तो कौन आ जाएगा? भवानी सिंह आ जाएगा। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा दोस्तों? केरू भिवानी में। और ये कब बना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 1985 में बना। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है। HSSC दोस्तों बार बार पूछ रही है इस क्वेश्चन को, कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। दोस्तों आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रहेगा, ये रहेगा आपका भोर सैदान में। कहाँ रहेगा दोस्तों? भोर सैदान। और आपका भोर सैदान कहाँ रहेगा दोस्तों? कुरुक्षेत्र में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? भोर सैदान, कुरुक्षेत्र में। अब ये तो बात है दोस्तों, ये बना कब था मगरमच्छ प्रजनन केंद्र? 1981-82 के दौरान कौन सा प्रजनन केंद्र बना था? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा दोस्तों? भोर सैदान, कुरुक्षेत्र में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में हमें क्या नजर आ रहा है दोस्तों? मगरमच्छ। और दोस्तों मगरमच्छ क्या नहीं होता? भोर सैदान को पढ़ेंगे दोस्तों भोला, और सैदान को पढ़ेंगे सैतान। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? जो मगरमच्छ होता है ना, वो भोला नहीं होता, कैसा होता है? सैतान। मगरमच्छ भोला से क्या कर लेंगे? बोर। और सैतान से क्या कर लेंगे? सैदान। तो मगरमच्छ कैसा नहीं होता? भोला नहीं होता। मगरमच्छ कैसा होता है? सैतान। तो बोर सैतान कहां पर हो जाएगा दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। ये मगरमच्छ के प्रजनन केंद्र दोस्तों HSSC पूछ चुकी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां रहेगा दोस्तों आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट एक है, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों? मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी पढ़ा होता है, और एग्जामिनर क्या ऐड कर देता है दोस्तों? मयूर, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। दोस्तों मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका हो जाएगा झाबुआ रेवाड़ी में। दोस्तों ये क्वेश्चन बच्चों का सबसे ज़्यादा गलत होता है कि मयूर व चिंकारा प्रजनन कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका? झाबुआ रेवाड़ी में। अब बात आती है दोस्तों याद कैसे करोगे? आपको पता है दोस्तों जो मोर है और चिंकारा, चिंकारा दोस्तों किसकी प्रजाति होती है? हिरण की प्रजाति होती है दोस्तों। इस चिंकारा को सलमान खान अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगा, इसी चिंकारा ने उसको जेल करवाई थी। तो मयूर व
चिंकारा दोस्तों कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं। और दोस्तों राजस्थान झाबुआ को पढ़ेंगे हम झाड़ियाँ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? झाड़ियाँ। तो मयूर व चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में क्या होती है दोस्तों? झाड़ियाँ। तो मयूर व चिंकारा प्रजनन कहाँ हो जाएगा केंद्र दोस्तों? झाबुआ। और झाबुआ कहाँ रहेगा दोस्तों? रेवाड़ी। रेवाड़ी को पढ़ लेंगे हम खेती वाड़ी। दोस्तों अगर खेती बाड़ी अच्छे से नहीं की तो खेत में क्या उग जाएगी? झाड़ियाँ। तो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? झाबुआ। और झाबुआ को क्या पढ़ेंगे? झाड़ियाँ। तो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा दोस्तों? रेवाड़ी में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सबसे ज़्यादा बार पेपरों में पूछा गया है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों? गिद्ध संरक्षण वह प्रजनन केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गिर संरक्षण वह प्रजनन केंद्र ये रहेगा दोस्तों आपका पिंजौर पंचकुला में। लिख लो दोस्तों गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा आपका? पिंजौर पंचकुला। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये प्रजनन केंद्र कब बना था? 2001 में बना था। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा दोस्तों? पिंजौर पंचकुला में। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों याद कैसे करेंगे? दोस्तों आपको पता है गिद्ध कैसा जानवर होता है दोस्तों? भयंकर जानवर होता है। और जो भयंकर जानवर है तो अपने शिकार पर गिद्ध झपट्टा कैसे मारेगा दोस्तों? जोर से। गिद्ध अपने शिकार पर झपट्टा कैसे मारेगा? जोर से। कनेक्ट कर लेंगे पिंजौर, और पिंजौर कहाँ रहेगा दोस्तों? पंचकुला। दोस्तों इसके बाद भी आपको याद ना रहे तो गिद्ध भयानक जानवर होता है, और भयानक जानवर को हम किसके अंदर रखते हैं दोस्तों? पिंजरे के अंदर। किसके अंदर रखते हैं? पिंजरे के अंदर। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पिंजौर पंचकुला। बहुत बार आ गया दोस्तों, HSSC से बार बार पूछती है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा दोस्तों? पिंजौर पंचकुला। एक बार HSSC ने पूछा था दोस्तों आम मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों आम मेला भी कहाँ पर लगेगा आपका? पंचकुला में लगेगा। और गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला में हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों पीसेंट प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों? पीसेंट प्रजनन केंद्र। ये भी एग्जाम में दोस्तों बार बार आ रहा है पीसेंट प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र है दोस्तों? पीसेंट प्रजनन केंद्र। और पीसेंट प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों आपका मोरनी पंचकुला में। कहां पर रहेगा दोस्तों? मोरनी पंचकुला में। मोरनी पंचकुला में कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों? पीसेंट प्रजनन केंद्र। अब बात आता है दोस्तों याद कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। पीसेंट में हमें क्या नजर आ रहा है दोस्तों? सेंट। सेंट मतलब परफ्यूम, इत्र। पीसेंट में क्या नजर आ रहा है दोस्तों? सेंट। और सेंट लगाने के बाद लड़की खुद को क्या समझने लगती है दोस्तों? मोरनी। लड़की किसकी भांति चलने लगती है? मोरनी की भांति। कब? सेंट लगाने के बाद। तो सेंट लगाने के बाद लड़की कैसी फीलिंग लेती है? मोरनी वाली। तो पी सेंट प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला में हो जाएगा। वो ये भी HSSC बार बार पूछती है दोस्तों कि पी सेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी पंचकुला। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। कौन सा रहेगा दोस्तों? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। कौन सा रहेगा दोस्तों? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये रहेगा दोस्तों आपका पिंजौर पंचकुला में। कौन सा रहेगा दोस्तों? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। और आपका रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा दोस्तों? पिंजौर पंचकुला में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों याद कैसे करोगे रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र को? याद करना बड़ा आसान है कि आप सभी ने बचपन में कौन सा गेम खेला होगा दोस्तों? कबड्डी खेला होगा। कौन सा खेला होगा? कबड्डी। कबड्डी में दोस्तों क्या डाली जाती है? रेड डाली जाती है। जब हम कबड्डी में रेड डालने जाते थे और कबड्डी में जब हम क्या कर देते थे दोस्तों? फाउल। तो हमारे कोच साहब होते थे वो हमें कैसे थप्पड़ मारते थे दोस्तों? जोर से थप्पड़ मारते थे। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पिंजौर पंचकुला। याद कैसे करेंगे? जब कबड्डी में हम रेड डालने जाते थे तो हमसे फाउल हो जाता था तो हमारे कोच साहब हमें थप्पड़ कैसे मारते थे? जोर से, कि बेटा तूने टीम को हरा दिया। तो पिंजौर पंचकुला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों काला तीतर प्रजनन केंद्र। काला तीतर
प्रजनन केंद्र। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काला तितर प्रजनन केंद्र रहेगा आपका पीपली कुरुक्षेत्र में। काला तितर प्रजनन केंद्र, और दोस्तों काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा आपका? पीपली कुरुक्षेत्र में। लिख लो, काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा दोस्तों? पीपली कुरुक्षेत्र में। दोस्तों कई इंपॉर्टेंट है, कईयों के निर्माण के बारे में आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करा देंगे। ये 1985-86 में कौन सा बना था दोस्तों? काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा दोस्तों? पीपली कुरुक्षेत्र। याद ना हो दोस्तों, कलर याद कर लेंगे, एक तो काला कलर था और एक कौन सा कलर था? पीला। तो काला पीला, पीला से क्या कर लेंगे दोस्तों? पीपली। काला तितर प्रजनन केंद्र कहां हो जाएगा दोस्तों? आपका पीपली कुरुक्षेत्र। कौन सा प्रजनन केंद्र है दोस्तों? काला तितर प्रजनन केंद्र कब बना था? 1985-86 में कौन सा प्रजनन केंद्र बना था दोस्तों? काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? पीपली और कुरुक्षेत्र। अगर फिर भी याद ना हो दोस्तों, काला तितर के नाम से क्या आती है दोस्तों? बियर आती है। क्या आती है? और काला तितर नामक बियर कहां बेन है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। सच्चाई है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में ना आपको शराब नहीं मिलेगी। तो काला तितर बियर कहां पर बेन है? कुरुक्षेत्र में। तो काला दोनों ही ट्रिक है दोस्तों, जो मर्जी फीलिंग ले लेना, दोनों ही याद हो जाएगी। काला तितर प्रजनन केंद्र भी या काला और पीला, जो मर्जी याद कर लेना। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा बार पेपरों में आने के चांसेस रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब पूछा जाएगा दोस्तों, असव प्रजनन केंद्र कौन सा पूछा जाएगा दोस्तों? केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र। दोस्तों केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र बहुत बार पूछा गया है। ये 1986 में बना था। कब बना था दोस्तों असव प्रजनन केंद्र? 1986। याद कैसे करोगे? केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों आपका इसार में। असव प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा दोस्तों? इसार में। याद कैसे करोगे दोस्तों? असव माने क्या होता है? घोड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? घोड़ा होता है। आजकल क्या होता है दोस्तों? टाइम किसी के पास नहीं है, चाहे फ्री है ना, हम पूछ लेंगे भाई क्या काम कर रहा है, तू मेरे साथ चलेगा? तो कहता है भाई मेरे पास एक मिनट का भी टाइम नहीं है। तो इंसान की दिनचर्या क्या हो गई है दोस्तों? घोड़े के समान भागना, यानी घोड़े के समान भागना हमारे जीवन का क्या बन चुका है दोस्तों? हिस्सा बन चुका है। हम हर दिन घोड़े के समान भागते रहते हैं। तो असव के समान भागना हमारे जीवन का क्या बन चुका है दोस्तों? तो केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा दोस्तों? इसार में हो जाएगा। कब बना था? 1986 में। अब आता है दोस्तों केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों? भैंस प्रजनन केंद्र। और भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा दोस्तों? इसार में। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भैंस प्रजनन केंद्र कब बना था? 1985 में बना था। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, भैंस प्रजनन केंद्र कब बना था? 1985 में। और भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा दोस्तों? इसार में। याद कैसे करोगे दोस्तों? आपको पता है कि हरियाणा वालों को दूध सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है दोस्तों? भैंसों से। लगभग मैं बात करूं ना, हरियाणा को 75% दूध कहां से प्राप्त होता है? भैंसों से। तो भैंस का दूध पीना भी हरियाणा वालों के जीवन का क्या बन चुका है? हिस्सा। भैंस का दूध पीना भी हरियाणा वालों के क्या बन चुका है दोस्तों? जीवन का हिस्सा। तो भैंस प्रजनन केंद्र भी दोस्तों कहां पर हो जाएगा आपका? इंसार में। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, भेड़ प्रजनन केंद्र कौन सा रहेगा दोस्तों? भेड़ प्रजनन केंद्र। सिंपल सी बात है दोस्तों, भेड़ प्रजनन केंद्र। और आपका भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा दोस्तों? ये भी रहेगा आपका इसार में। क्या कहां पर रहेगा दोस्तों? इसार में। सिंपल सी बात है दोस्तों, भेड़ को क्या पढ़ेंगे हम? बाड़ा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाड़ा। और बाड़ा दोस्तों हमें किस में देना होता है? ऑटो में। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां की है दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है इंसार की। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां की है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां की रहेगी? इंसार की। तो याद कैसे करोगे? भेड़ को क्या पढ़ेंगे? बाड़ा। बाड़ा किस में देंगे? ऑटो में। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां की है दोस्तों? इंसार की। तो भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहां पर हो जाएगा दोस्तों? इंसार में। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुअर प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा दोस्तों? सुअर प्रजनन केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सुअर प्रजनन केंद्र।
और दोस्तों आपका सूअर प्रजनन के अंदर भी कहाँ पर रहेगा दोस्तों, इसार में रहेगा। दोस्तों इसार को कहा जाता है, ये पेपर में आ चुका है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। दोस्तों इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो, पेपर में आता है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ का है, इसार का। और इसार दोस्तों कौन सा प्रजनन के अंदर रहेगा, सुअर प्रजनन के अंदर। दोस्तों याद कैसे करेंगे, सुअर में ना दोस्तों ए को साइलेंट कर लेंगे तो क्या नजर आ रहा है दोस्तों, सुर। और सुर में गाना हमारे जीवन का क्या बन चुका है दोस्तों, हिस्सा बन चुका है। अगर दोस्तों आप सुर में गाओगे ना तभी तो कोई आपको सुनेगा, बेसुरे लोगों को यहाँ कोई नहीं सुनता। सोनू निगम क्यों आज फेमस है, क्योंकि वो सुर में गाता है दोस्तों, सुर में आप गाओगे तो आपको लोग सुनेंगे। तो सुर में गाना भी हमारे जीवन का क्या बन चुका है दोस्तों, हिस्सा बन चुका है। दोस्तों इस हिसाब से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आया तो दोस्तों आपका गलत नहीं होगा, और दोस्तों आप भूलना ही भूल जाओगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक कीजिए। आप जितने ज्यादा लाइक करते हो दोस्तों उससे हमारा हौसला उतना ज्यादा बढ़ता है। और दोस्तों हमने करंट अफेयर की भी क्रेश कोर्स में सीरीज डाल दिया और मैडम को भी आपका बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है, और हम आगे भी चाहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।